मुझे ये पता भी नहीं कि आई ऐसा ये होता क्या है, यहाँ आके सुनने को मिल रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग घर में रहने वाले हैं। नमस्कार, हम आप सबके भाई, आप सबका दोस्त गोलू यादव। और जैसे कि आप लोग शुरू में इंट्रो देखकर समझ गए होंगे, तो आज मैं आपको ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ, ऐसे घटना के बारे में बताने वाला हूँ, जो सुनकर आप महाराज यही कहेंगे कि गोलू भाई तूने कहाँ से लाते हो ना, मतलब क्या ही मैं बोलूँ उसके बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये कहेंगे आप लोग वीडियो को लास्ट तक, मतलब शुरू से लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मरवा आइए देखते हैं, भाषण मजा आएगा तथा इनके साथ इस तरह बोलना, तो मैं इनके साथ बात कर करके ये सीख गई। मैं कराची से हूँ, सिंध से, सिंध कराची। आप लोग वेट कर रहे होंगे कि आखिर गोलू भाई कहना क्या चाहता है, तो मेरे कहने का साफ साफ मतलब है कि इनका नाम है सीमा, जो पाकिस्तान से फ्री फायर के जरिए इनसे मोहब्बत कर लेते हैं। एक सचिन भाई के नाम के बंदा है जो बगल में बैठा है, उनसे प्यार कर लेती है। बाकी कुछ क्या होता है आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो देखिए भैया आँख फाड़ के। आप पाकिस्तान से कहाँ कहाँ से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि जो आपकी हिंदी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसी हिंदी नहीं चलती। मैम बोली है कि मतलब आपकी हिंदी कैसी है, इतनी अच्छी है, आप पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं फिर भी आपकी हिंदी इतनी अच्छी है। तो सीमा जी ने जवाब दिया कि मेरा, मैंने लगातार सचिन भाई से बात करती थी, लगातार मेरा 2 से 3 साल रिलेशन था, तो किसी भी चीज को कंटिन्यू करने से ज्ञान हो जाता है यार। आप कितने भी अनपढ़ हो, कितने भी मतलब ना समझदार हो, मतलब किसी भी चीज को कंटिन्यू करेंगे महाराज तो जरूर ही ज्ञान होगा। तो सोचिए यार, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात करती थी ना, हमें 3 साल बात करते हुए हो गया समय दिन रात, और इनकी भाषा, इनके दोस्त फ्रेंड वगैरह से बात होती तो यही भाषा सुनने को मिलती थी आमतौर पे। महाराज आप लोग समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की जो लड़की है फ्री फायर के जरिए 3 साल से बात करती थी, फोन बात, चैट बात, जहाँ भी बात होता है, और उनके भाषों को पकड़ लिए। मतलब ऐसा है कि सचिन भाई उनके जबड़े से बाहर निकल नहीं सकते हैं, और निकाल भी नहीं, मतलब खुद ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि प्यार मोहब्बत यार। लेकिन लास्ट में जो आपको बताएंगे महाराज सुनने के बाद आप लोग सोचेंगे यार। लोगों का आरोप है कि आप शायद जासूस हैं, क्योंकि जब लोगों ने सुना कि आप पाकिस्तान से हैं तो लोगों ने कहा कि आप जासूस हैं, तो क्या कहना है कि सीमा जी ने जासूस है यार? भाई सही बात है, जो मान लीजिए पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, और पाकिस्तान से आकर यार अपने इंडिया में आकर तहलका मचा रही है प्यार मोहब्बत के जरिए, बता दीजिए, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड है, इतिहास है यार। ऐसा घटना भी मैंने पूरी अपने लाइफ में नहीं देखा, लगभग 17-18 साल की मेरी एज है, अभी तक मैंने ऐसा चीज नहीं देखा यार जो अब देख रहा हूँ। तो बताइए महाराज दुनिया कैसे चलेगा राय? बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग घर में रहने वाले हैं, आम मिडिल क्लास लोग थे, तो इतनी हाईफाई हमारी नई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब यहाँ के पता पड़ेगा ये है वो है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये चीज आपसे मैंने सीखा कि ना बड़े घराने के ना छोटे घराने के, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ज्यादा प्यार मोहब्बत का शौक वही रखते हैं। मान लीजिए जैसे मिडिल क्लास का मैं बंदा हुआ, हर इंसान मिडिल क्लास का नहीं होता है यार, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई मिडिल क्लास का होता है, लेकिन जो बीच वाला बंदा होता है ना, ये दुनिया में मतलब ये दुनिया को सीखना चाहता है यार, ये दुनिया को देखना चाहता है, लेकिन जो बड़े लोग रहते हैं अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं। कुछ भी नहीं है मैम, आधा तो कंफर्म हो गया है, आधा और कंफर्म हो जाएगा, आई थिंक सबको पता पड़ जाएगी कि हकीकत क्या है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, सबको कन्फर्म हो गया है, सबको हकीकत पता चल गया है कि आप पाकिस्तान से आकर, और आपका नाम भी सीमा है, और आप कहाँ से आई हैं? पाकिस्तान से। अगर आप किसी लड़के से शादी कर लेंगे, मतलब इनका लव में आ जाती है चपेटे में, आप उनसे लव कर लेती हैं, बाकी महाराज प्यार मोहब्बत को रखने के बाद मन कर रहा है यार कि पहली बार पानी में कटाई दाब के, मतलब गलत कहा तो रानी मरिया, लेकिन आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और पूरी लाइफ में आप लोग ऐसा घटना देखे हैं, ऐसी चीजों को देखे हैं, अगर देखे होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं देखे होंगे फिर भी कमेंट में बताइएगा कि प्यार मोहब्बत की क्या चीज है यार, दुनिया का कोई ऐसा पावर नहीं है जो प्यार मोहब्बत को दबोड़ चाहता है, बता लीजिए। तो बस मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए।